नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे दो लैपटॉप के बीच में नेटवर्किंग कैसे करते हैं। इस लैपटॉप का डेटा अगर आपको यहाँ देखना है और इस लैपटॉप का डेटा आपको यहाँ देखना है, मात्र एक ये RJ45 केबल के माध्यम से मैं नेटवर्किंग कराऊंगा। क्या सेटिंग होता है, कैसे करते हैं, कैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं, अगर आप भी इच्छुक हैं सीखने के लिए तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा, घर पर रह करके आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। दुकानदार के पास जाएंगे, दुकान किसी व्यक्ति बुलाएंगे तो 500-1000 रुपये आपका लग गया दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डेटा इसके माध्यम से ट्रांसफर करेंगे आप, बहुत तेज डेटा ट्रांसफर होता है। आप पेन ड्राइव से लेकर डेटा ट्रांसफर करते हैं उसमें टाइम लगता है। ये केबल आपको मिलता है मार्केट में 25-30 रुपए का दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा लैपटॉप है, ये एक HP कंपनी का लैपटॉप है और एक डेल कंपनी का लैपटॉप, ठीक है। दोनों के अंदर विंडोज 10 लोडेड है, 64 बिट, क्लियर आपको है। तो अब क्या क्या सेटिंग करना है, कैसे करना बताते हैं आपको मैं। देखिए, इस लैपटॉप के अंदर सबसे पहले आपको चाहिए लैन कार्ड। लैन कार्ड सब में होता ही होता है, लेकिन बहुत बार देखा ही जाता है कि आपके लैपटॉप में लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है। तो पहला चेक कर लीजिए कि लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए इस लैपटॉप के अंदर। फिर सेकेंड लैपटॉप, इसमें भी आप चेक कर लीजिए कि लैन कार्ड है, लैन कार्ड काम कर रहा है और लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, क्लियर आपको ना। जब दोनों में लैन कार्ड इंस्टॉल है, मतलब ड्राइवर इंस्टॉल है, तो आपको फिर चाहिए एक तरह से केबल। ये केबल देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं RJ45 केबल बोलते हैं, देख सकते हैं दोनों साइड ये है, ठीक है। ये मार्केट में जाएंगे आपको 30-35 रुपए का तार मिल जाएगा। ये सिंपल तरीके से क्या करना है, एक कोना आपको इस साइड लगाना है, एक कोना आपके लैपटॉप उस साइड लगाना है। तो देखिए, लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, आपका जो नेटवर्किंग का प्लेस दिया हुआ है, एक यहाँ लगा दिया मैंने और एक यहाँ लगा दे दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा नहीं? हाँ दिख रहा है, ठीक है। दोनों में जगह जो है नेटवर्किंग मैंने वायर लगा दी है, कोई स्विच नहीं चाहिए, कोई राउटर नहीं चाहिए। सिंपल तरीके से क्या क्या सेटिंग करना है, कैसे करना, चलिए लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, आपको बताता हूँ दोस्तों। चलिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो तार ये लगा दिया मैंने यहाँ पर, तार लग गया है यहाँ पर भी, दोनों साइड लग गया है। अब अगर आपको चेक करना कि आपके लैपटॉप के अंदर लैन ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है, सिंपल तरीके से जो है, ये माई कंप्यूटर दिख रहा है आपको ना, माई PC, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर जाएंगे आप डिवाइस मैनेजर में, यहाँ जाइए डिवाइस मैनेजर, और फिर देखिए लिया हुआ नेटवर्क एडाप्टर, ठीक है। इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर रियलटेक PCIe फास्ट कंट्रोलर लोडेड है। अगर नहीं लोड होता तो यहाँ येलो कलर का साइन आता, ठीक है। तो लोडेड इंस्टॉल है, मतलब ये इंस्टॉल होना चाहिए तभी आप काम करेगा। तो ये इंस्टॉल है, तो दोनों लैपटॉप में से हमें चेक कर लीजिए, क्योंकि दोनों विंडोज लोडेड है। तार में लगा दिया, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि दोनों लैपटॉप का एक ही नाम देंगे। मतलब मान लीजिए कि इस लैपटॉप को भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे और इस वाले लैपटॉप को भी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे। जब एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेंगे तब सिक्योरिटी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए पर्सनल कंप्यूटर अगर आपके बीच में है तो आप दोनों को जो है सेम यूजर नेम से लॉगिन कर लीजिए, क्लियर। आपको यूजर नेम क्लिक करने क्या करना पड़ेगा, आप जाइए माई PC दिया हुआ ना, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए माई PC दिया हुआ, यहाँ जाइए मैनेज में, ठीक है। यहाँ मैनेज में क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद में यहाँ क्लिक करिए आप जो है लोकल यूजर एंड प्रोग्राम ग्रुप, लोकल यूजर प्रोग्राम एंड ग्रुप, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ दिया हुआ यूजर, इस पर क्लिक करिए, और फिर यहाँ दिए चार यूजर आ रहे हैं लिख के, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो होगा वो डिसेबल होगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे, और फिर आपके जो लैपटॉप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पे अकाउंट डिसेबल मेरा था, मैंने हटा दिया है, तो आप इसको हटा दीजिएगा, यहाँ जो टिक है इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। हटा देंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक रहेगा, और यहाँ कोई सेटिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको हटा के यहाँ पे आप सिंपली तरीके से इसको अप्लाई कर दीजिए, क्लियर। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर इसके ऊपर जो है इसी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक सेट पासवर्ड क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड बोले करने के लिए, तो यहाँ पर जो है मैं 1 2 3 पासवर्ड देता हूँ, नीचे भी 1 2 3, क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ लॉगिन करने के लिए, तो पासवर्ड हैज बीन सेट, ओके कर दिया हमने करके। देखिए पहला सेटिंग यहाँ पे हो चुका, सेम सेटिंग हमको जो है दूसरे लैपटॉप में भी करना है। यहाँ पे भी जाएंगे हम, देखिए यहाँ पे भी जाते हैं, माई PC में जाएंगे, और माई PC में जाने के बाद में मैनेज में जाएंगे, और मैनेज में आकर के, और फिर खुले लैपटॉप थोड़ा स्लो है, वो थोड़ा तेज था, उसमें 4 GB रैम लगा हुआ है, और ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे जाएंगे लोकल यूजर एंड ग्रुप में क्लिक करेंगे, यूजर पे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी जाने के बाद में देखिए यहाँ भी मैंने हटा दिया है, अकाउंट डिसेबल पे आपका टिक होगा, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर को क्लिक करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेंगे यहाँ भी राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद सेट पासवर्ड क्लिक करिए, और यहाँ पे प्रोसीड करके 1 2 3 जो पासवर्ड आपने वहाँ दिया हुआ है सेम पासवर्ड आपका यहाँ भी देना आपको है, ठीक है। तो यहाँ भी 1 2 3 लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया, ठीक है। द पासवर्ड हैज बीन सेट, ये
पहला काम हो गया। क्लियर आपको ना? तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर को ऑन कर दिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर पहले से लॉगिंग होता है लेकिन डिसेबल होता है, तो उसको ऑन कर दिया और यहाँ पे भी ऑन कर दिया, पहला चीज। अब सेकंड हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम कि आईपी एड्रेस देते हैं, आईपी एड्रेस देंगे तभी तो ये इससे यहाँ मैसेज भेज पाएगा और इससे यहाँ मैसेज। आईपी एड्रेस देने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए डेस्कटॉप के ऊपर दिया हुआ है नेटवर्क, देख सकते हैं नेटवर्क दिया हुआ ना, नेटवर्क नेटवर्क दिया हुआ। इस नेटवर्क के ऊपर अब क्या करना, जाना आपको सिंपल तरीके से, यहाँ जाते हैं ठीक है, नेटवर्क पर जाएंगे, फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, वन बाय वन स्टेप फॉलो करिए तभी आपका नेटवर्किंग हो पाएगा ठीक है। ये देखिए प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज क्लिक करने के बाद में अब जाते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए दिया हुआ है कनेक्शन इथरनेट आ रहा है, देखिए ना इथरनेट आया हुआ, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए इथरनेट, और फिर उसके बाद आप आइए प्रॉपर्टीज में ठीक है, ठीक है ना। तो आप अब यहाँ प्रॉपर्टीज क्लिक कर लीजिए, प्रॉपर्टीज क्लिक करेंगे देखिए इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP IP4, देख लीजिए दो आईपी इसमें प्रोटोकॉल आता है, एक आईपी 6 आता है, टीसीपी आईपी 6 आता है, 6 नहीं करना हमको, क्या करना हमको 4 वाला सेलेक्ट करना है ठीक है। ये दिया हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल 4, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाकर के यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका ये सिलेक्ट होगा, तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आईपी डाल देना, देखिए आईपी नंबर जो है बाय डिफॉल्ट जो मैं डाल रहा हूँ डालिएगा 192 नोट करिए 168 या फिर 0 ठीक है, ये तीनों नंबर सेम रहेगा, लास्ट का नंबर जो हम चेंज करते हैं, मतलब मान लीजिए तीन चार कंप्यूटर कनेक्ट करना होता तो हम चेंज कर सकते हैं, मैं डाल देता हूँ मान लीजिए यहाँ 4 डाल देता हूँ ठीक है, ये नंबर 4 डाल देंगे यहाँ पर और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर उठा लेगा यहाँ पे, अब कुछ सेटिंग नहीं करना ठीक है। देखिए 192.168.0.4 लिख दिया मैंने करके और ये करके, और कहीं कुछ नहीं लिखना, इसको आप सिंपल तरीके से ओके कर दीजिए ठीक है, ओके कर दिया हमने, ओके कर क्लोज कर दीजिए ठीक है। इसके अंदर हमारा आईपी हमने डाल दिया है, ये हो चुका है, सेम प्रक्रिया हमको जो है यहाँ पे भी अपनाना है ठीक है। यहाँ भी जाएंगे नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क पे जाने के बाद में प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में वेट कर लेते हैं, तो फिर देखिए यहाँ इथरनेट दिया हुआ है, इथरनेट पे क्लिक करेंगे, इथरनेट पे क्लिक करने के बाद में फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी में जाके और यहाँ पे जो दिया हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP IP4 इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएंगे और सेम देखिए यहाँ ऑप्टेन ये रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ लिख दीजिए 192.168.0, ये आप किसी भी लैपटॉप में यूज करेंगे ना आपको ये नंबर सेम डालना रहेगा ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, आप कहीं राइट डाउन करना, राइट डाउन कर लीजिए, ये लास्ट का नंबर चेंज करते हैं, अगर दोनों लैपटॉप का लास्ट का नंबर सेम हो जाएगा तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, इसलिए हमने 4 डाला हुआ था, यहाँ हम 7 डाल सकते हैं, 1 से लेकर के आप 254 नंबर तक कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, लेकिन 254 से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, 254 तक होगा मतलब 254 तक, और इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा ये ठीक है। लास्ट का नंबर सिर्फ चेंज है और सब सेम सेम से, इस पे ओके कर देंगे हमने, फिर उसको क्लोज कर दिया ठीक है। दोस्तों हमारा आईपी हो चुका है, हमारा लॉगिंग हो चुका है, अब बचता है सेम वर्क ग्रुप में, मतलब ये वाला लैपटॉप और ये वाला लैपटॉप जो दोनों सेम वर्क ग्रुप में होना चाहिए, और मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दोनों लैपटॉप का नाम इंटरनेट के अलग होना चाहिए, जैसे इसका इसका नाम मैं डाल देता हूँ डेल लिख देता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ एचपी लिख देता हूँ ठीक है। तो नाम कहाँ से डालते हैं ये भी देख लीजिए, अब जाएंगे माई पीसी के ऊपर, माई पीसी में जाएंगे यहाँ पर और माई पीसी के ऊपर जाएंगे प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद में आप जाइए फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ दिया हुआ कंप्यूटर नेम दिया हुआ है ठीक है, यहाँ कंप्यूटर नेम क्लिक करिए और देखिए मैंने कंप्यूटर नेम जो है डेल डाल रखा है, और आपको जो डालना हो डाल दीजिएगा, चेंज करना आप यहाँ चेंज कर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डालकर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर, मैंने रिस्टार्ट कर लिया है तो डेल यहाँ डाल दिया, और उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ ना डोमेन और वर्क ग्रुप, तो ये सेलेक्ट वर्क ग्रुप होना चाहिए, ये डोमेन सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, वर्कग्रुप सेलेक्ट होना चाहिए ठीक है। तो वर्कग्रुप के ऊपर वर्कग्रुप ही रहने दीजिए, ये डाल दीजिए, क्लियर है आपको ना, ये करके इसको करके फिर आप ओके कर दीजिएगा तो आपका जो है एक प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, मैंने ऑलरेडी डाला था इसे ओके मेरा डिहाइलेटेड है तो इसको ऐसे कर दीजिए ठीक है। तो आपका कंप्यूटर नेम ये डेल हो गया ये, और सेम प्रक्रिया आपको जो है अब यहाँ अपनाना है ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, अब मान लीजिए कि नेटवर्किंग, अब दोनों कंप्यूटर को लैपटॉप को रिस्टार्ट कर दीजिए, ये लैपटॉप मेरा दिया हुआ है, इसको मैं इतना सेटिंग करने के बाद में रिस्टार्ट कर देता हूँ ठीक है, रिस्टार्ट कर देता हूँ, और ये वाला लैपटॉप जो मेरा इसको भी मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, कि जितनी सेटिंग मैंने किया हुआ सबको जो है मतलब कि चालू करने के लिए एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है ठीक है। रिस्टार्ट कर देता हूँ, अब दोनों मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप दो लैपटॉप के इसी तार के माध्यम से, आपको कुछ स्विच नहीं चाहिए, आपको राउटर नहीं कुछ नहीं चाहिए, इसी से आप अपना डेटा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। वेट करिए और लैपटॉप जो है ऑन हो रहा है, रहेगा ना, जैसे इस वाले लैपटॉप के अंदर ड्राइव होते हैं, सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव, तो उसको शेयर करना रहेगा, इसमें भी सी ड्राइव ई ड्राइव रहता है, उसको शेयर करना पड़ेगा। देखिए ये रुक गया एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपके सामने दिखा ना एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डाला था 123,
और सेम यहाँ पर भी जो है मुझे अब एडमिनिस्ट्रेटर में 123 पासवर्ड डाल देना है, इसको एंटर कर देना है। ठीक है, ये लॉगिंग हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिंग हो रहा है। तो ये लॉगिंग एडमिनिस्ट्रेटर से हो चुका है और दिखाता हूँ मैं आपको इसमें क्या करना है। तो इस लैपटॉप में भी एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिंग कर लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं 123। ठीक है, इसको भी एंट्री कर दिया हमने। अब दोनों हमारा लैपटॉप जो है ना एक ही यूजर नेम से लॉगिंग हो चुका है। जैसे ये भी एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिंग हो रहा है और ये भी ऑलरेडी जो है एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिंग हो चुका है। हमने आईपी दोनों में डाल दिया है। अब क्या करते हैं कि हमें ड्राइव शेयर करना होता है, कि मतलब कि इसका सी ड्राइव, इसका डी ड्राइव जो पड़ा वो शेयर करने के लिए, उसे शेयर करने के लिए क्या करना है सिंपल तरीके से। आप देखिए दिया हुआ है माई पीसी, जिस पीसी दिया है उस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में ये जो ड्राइव दिया हुआ ना, जैसे ई ड्राइव है, मान लीजिए कोई डेटा जो मेरा पड़ा हुआ है ई ड्राइव के अंदर, सी नॉर्मली नहीं करते हैं, डेटा होता है जैसे मूवी हो गया, आपका आपका सॉन्ग हो गया, बहुत सारे फाइल हो गया, तो हमेशा जो है डी ई में रखते हैं। तो ड्राइव को शेयर करने के लिए सिंपल तरीके से जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, देखिए शेयर विद दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जाएंगे, एडवांस शेयरिंग है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका, देखिए शेयरिंग लिखा हुआ है यहाँ, शेयरिंग में क्लिक करेंगे, देखिए शेयरिंग दिया हुआ है, शेयरिंग में क्लिक करेंगे और उसके बाद एडवांस शेयरिंग ये दिया हुआ है। ठीक है, वन बाय स्टेप फॉलो करिएगा। देखिए शेयर दिस फोल्डर पर टिक कर दीजिए और उसके बाद परमिशन यहाँ दिया हुआ नीचे, यहाँ ई ड्राइव एडमिट ले लिया, यहाँ परमिशन क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर तीनों पर टिक मार कर दीजिए, फुल कंट्रोल चेंज चेंज कंट्रोल करके फिर अप्लाई कर ओके कर दीजिए। क्लियर है ना? तो हमने जो है इसके लिए सी ड्राइव को ई ड्राइव को शेयर कर दिया है। ठीक है, सेम प्रक्रिया जो है मैं दूसरे लैपटॉप में लगा देता हूँ, मतलब दोनों का वाइस वर्सा डेटा ट्रांसफर कर सके दूसरे में। तो इसमें भी माई पीसी जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में जो आपका ये डी ड्राइव है, डी ड्राइव को हम इसको गिव परमिशन दिया हुआ, एक्सेस दिया हुआ यहाँ पे, गिव एक्सेस टू परमिशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिया हुआ है शेयरिंग, शेयरिंग के अंदर फिर एडवांस शेयरिंग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में शेयर दिस फोल्डर के ऊपर टिक कर दीजिए और यहाँ परमिशन दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ऑन कर देंगे। क्लियर है ना? तो इस तरीके से सारा सेटिंग हमारा हो चुका है। अब खोलना है कि आप चाहते हैं कि इस वाले लैपटॉप का डेटा हम यहाँ खोल सकें और इस वाले लैपटॉप का डेटा हम यहाँ खोल सकें। सिंपल तरीके से क्या करना है आपको है, अब देखिए जाना है माई नेटवर्क प्लेसेस के अंदर। ठीक है, सिंपली इस पर क्लिक करिए, माई नेटवर्क पे नेटवर्क दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए। विंडो 10 लोडेड है आपका, विंडो 7 होगा तो ये प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, विंडो 8 होगा तभी वो प्रक्रिया अपनाइएगा। तो ये आपका नेटवर्क, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में देखिए हम इसको जो है ऐसे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसके अंदर दोनों लैपटॉप यहाँ आ चुके, मतलब उनका नाम आ चुका है, डेल और एचपी। एचपी उस वाले का नाम है, इसका नाम है डेल नाम है। तो अब इसको एचपी को हम खोल लेते, देखते हैं क्या शेयर हुआ कि नहीं शेयर हुआ। इसका एच ड्राइव ई खोलते हैं एचपी। अब देखिए दो ड्राइव हमारे इस कंप्यूटर में पड़े हुए हैं इसके, और इस पर ई एफ खोलते देखिए। अब ये जो डेटा दिख रहा है आपको ना, डेटा ये इस कंप्यूटर का दिखाता हूँ आपको, इधर आइए लैपटॉप इसको लेकर आइए। अब देखिए मैं इसका जो कंप्यूटर खोल लेता हूँ, अब ये खोल लिया मैंने और उसके बाद ये डी ड्राइव है, ये डी ड्राइव खोल लिया मैंने। देखिए सेम फाइल जो यहाँ पड़ा हुआ ना, सेम फाइल वो यहाँ पे है, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। पहले नंबर पे अपडेट 2020 बैच क्रैक फिल्म हो रहा है, मतलब ये, और ये देखिए ये फाइल है, मतलब है कि इसका दोनों के बीच में नेट होगी। अब मान लीजिए ये वाली फाइल मुझे है, अब ये वाला फाइल मुझे है, मान लीजिए कि अप्रैल वाला फाइल ये है, इसको कॉपी करना है, क्रैक कॉपी करना है। सिंपल तरीके से इस पर राइट क्लिक करूंगा मैं, और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर जो है इसको ऐसे करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए अब उस लैपटॉप का मतलब पेन ड्राइव का झंझट खत्म हो चुका ना, कि अब मैं चाहता हूँ कि उसका डेटा यहाँ ले सकूँ, यहाँ का डेटा वहाँ ले सकूँ। तो ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए इस लैपटॉप के अंदर, इस लैपटॉप पे देखेंगे तो आप खोल लीजिए नेटवर्क, खोल लीजिए नेटवर्क, खोलेंगे तो देखेंगे इसमें भी दो कंप्यूटर आ चुके हैं, मतलब एक डेल आ चुका है। डेल को खोलना यहाँ पर है तो क्लिक करेंगे, डेल का डी ड्राइव, देखिए डेल का डी ड्राइव खुल चुका है। क्लियर है आपको ना? देखिए इसके अंदर जो है कुछ जो फाइल यहाँ लोडेड है, ये इस लैपटॉप में ई ड्राइव के अंदर जो फाइल लोडेड है, ये फाइल टोटल ये फाइल यहाँ आ रहा है, देख रहे ना, ये जो फाइल यहाँ लोडेड, ये फाइल यहाँ आ रहा है, मतलब कि दोनों लैपटॉप बीच में नेटवर्किंग हो चुकी है। आपको प्रिंटर शेयरिंग करना, आपको जो काम करना है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, सिंपल तरीके से हमने जो है आपको मात्र इस एक केबल के माध्यम से सेटिंग करके बता दिया है कि आप विंडो 10 के अंदर नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं। देखिए दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार को इसे बुलाएंगे ना, पैसा बहुत लगता है भैया, कोई 1000 रुपये ले लेता है, कोई 500 ले लेता है। सिंपल तरीके घर पर अगर आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और आपको पक्का इसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आपको दो लैपटॉप या दो कंप्यूटर भी हो ना, तब भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी यही नियम कानून है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि विंडोज उसमें लोड होता है, विंडोज इसमें लोड होता है। इस तरीके से आप करके डेटा को आप शेयर करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आपको आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करिए, पूछिए मुझसे, कुछ पूछना चाहते हैं, मैं प्रयास करूँगा आपके सवाल का जवाब दूँ और आपको मैं संतुष्ट करूँ। दोस्तों चलिए।